नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको हैंड ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर के बारे में जानकारी दूंगा। इस नैपसैक स्प्रेयर को पूरा खोलूंगा और इसको पूरा कसूंगा। इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं ये मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मैं यहाँ से खोलना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका कैप, सेकेंड नंबर पर स्टेनर, स्टेनर जाली होती है। थर्ड नंबर पर ये आपका पूरा टैंक है। ये जो टैंक है इसकी कैपेसिटी है 16 लीटर की। अगला हिस्सा अगर हम लोग देखें, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसके मुख्य भाग में आता है, इसको नोजल कहा जाता है। ये नोजल्स है। नोजल के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा लॉन्स कहलाती है। ये लॉन्स दो हिस्सों में बनी होती है। अगर मैं यहाँ से खोलूँ इसको तो आप देखिएगा दो हिस्से में ये लॉन्स है। इसे कम और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए इस लॉन्स का प्रयोग किया जाता है। ये लॉन्स है। लॉन्स के अगले हिस्से पे देखिए, यहाँ पर रबड़ की ओरिंग है, ये लीकेज को रोकने के लिए। अगला भाग इसका मुख्य आता है स्पिल कट ऑफ। ये स्पिल कट ऑफ वॉल, स्पिल कट ऑफ वॉल। इस वाल्व को भी हम लोग खोल सकते हैं। यहाँ से देखें, ये देखिए, ये स्पिल कट ऑफ वाल्व है। इसका एक हिस्सा और खोल सकता है, ये देखिए। पीछे वाले हिस्से से अगर हम लोग खोलें तो एक इसके अंदर स्टेनर आएगा। ये देखिए, ये स्टेनर, ये पिछले वाले हिस्से पे यहाँ पर लगता है। ये देखिए, स्पिल कट ऑफ वॉल्व। ये डिलीवरी पाइप है। ये डिलीवरी पाइप के बाद इसके बैरल और प्लंजर को ऑपरेट करने के लिए हैंड ऑपरेटेड है। तो ये लीवर है हैंड ऑपरेटेड करने। ये बैरल और प्लंजर है जिसको पंप भी कहा जाता है। अभी हम इसकी असेंबली पूरी बाहर निकाल के हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग हैंडल को निकालते हैं। ये देखिए, हैंडल की राड हम लोगों ने यहाँ से निकाला। ये देखिए, अब ये बैरल और प्लंजर को खोलने के लिए पूरा का पूरा, ये पूरा बैरल और प्लंजर, बैरल और यहाँ से सक्शन होता है पानी का और यहाँ से डिस्चार्ज। ये जो पंप होता है ये ऑपरेट होता है। देखिए ये मूवमेंट दिख रही है, ये पंप की, ये बैरल और ये प्लंजर। इस बैरल प्लंजर को भी हम निकाल सकते हैं, ये दो हिस्सों में निकलेगा। बैरल की बात करें तो बैरल के निचले हिस्से पे स्टेनर लगा हुआ है और एक नॉन रिटर्न वाल्व। ये देखिए, नॉन रिटर्न वाल्व, ये नॉन रिटर्न वाल्व, ये बैरल के इस वाले हिस्से, यहाँ से पानी को सक्शन किया जाता है। अगला हिस्सा जो प्लंजर है, प्लंजर के मुख्य भाग है, ये देखिए, ये जो कप टाइप बासर है ये मुख्य भाग है, ये पानी को लिफ्ट करता है। अगर इसको भी मैं खोलूँ तो इसके नीचे भी एक देखिए, यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व है। ये देखिए, इसमें दो नॉन रिटर्न वाल्व होती है। ये ये आपका पूरी कंप्लीट यूनिट नैपसैक स्प्रेयर की हम लोगों ने खोल दी। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम असेंबल करते हैं। ठीक है, असेंबल के लिए हम लोग सबसे पहले बैरल का प्रयोग करते हैं और बैरल के निचले वाले हिस्से पे देखिए, ये देखिए, ये नॉन रिटर्न वाल्व को हम लोग यहाँ लगाते हैं स्टैनर के साथ। स्टैनर के बाद ये हमारा बैरल कंप्लीट हो गया। बैरल के बाद हम लोग प्लंजर देखते हैं। प्लंजर में एक नॉन रिटर्न वाल्व है और एक कफ वाशर। इस कफ वाशर को हम लोग लगाते हैं और नॉन रिटर्न वाल्व। ये हमारी बैरल और प्लंजर की यूनिट कंप्लीट हो गई। जी साहब, ये देखिए, ये नमदा है, लीक ना हो उसके लिए ये नमदे का प्रयोग किया।
ये बैरल और प्लंजर यूनिट कंप्लीट हमारी। इस कंप्लीट यूनिट को हम लोग इस टैंक में अंदर की तरफ, ये फुल टाइट हम लोगों ने इसको कर दिया। अगला हिस्सा, ये देखिए, इसके लिए लटकाने के लिए उन्होंने एक और कंपनी में दिया हुआ है, जिससे हम लोग इसको लटका सकते हैं। आगे की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो स्टैनर को लगाते हैं। डिलीवरी वाई, डिलीवरी पाइप, ठीक है, इसका एक हिस्सा डिलीवरी वाल पाइप का हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। अगला लॉन्स, स्पिल कट ऑफ वाल, स्पिल कट ऑफ वाल के बाद हमारी लॉन्स, एक हिस्सा लॉन्स का, लॉन्स हमेशा दो हिस्सों में बनी होती है। अगला हिस्सा, ये देखिए, और सबसे आखिरी में आपका नोजल। धन्यवाद दोस्तों।